कंपनी द्वारा किसानों के साथ की गई एक गोष्ठी। बिल्कुल तहसील क्षेत्र के पखुआ डी गांव में आज मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पायनियर कंपनी के द्वारा किसानों को सबसे ज्यादा पैदा होने वाली धान की फसल व पायनियर की हाइब्रिड सरसों बाजरा मक्का के बारे में बताया गया। वहीं धान की 27P37 की उपज 33.25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और फसल पकड़ने का समय 28 से 32 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। इस प्रजाति में पानी कम लगता है, किसी प्रकार के रोग का कोई रोक नहीं लगता। यह जानकारी राघवेंद्र पांडे एरिया बिजनेस मैनेजर आजमगढ़ द्वारा दी गई। वहीं किसान योगेंद्र पाल के खेत पर कैंप लगाकर किसानों को बताया गया। पायनियर हाइब्रिड धान को पैदा करने वाले किसान को जौनपुर से आए जिज्ञासु त्रिपाठी एरिया मैनेजर द्वारा योगेंद्र को फूलमाला व रंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। वहीं मौजूद रहे किसान गुड्डू यादव को भी फूलमाला व रंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। पायनियर हाइब्रिड धान कंपनी के MBR महाराजगंज अतरौलिया क्षेत्र के अजय कुमार सिंह व अन्य अधिकारी गण, भारी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। इस मौके पे जिज्ञासु त्रिपाठी एरिया मैनेजर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। टीवी न्यूज 100 से संवाददाता अरविंद सिंह की रिपोर्ट। अब जो है किसानों को समझाने के लिए पखुआड़ी गाँव में आए हैं। किस किसान के जो है खेत में आए हैं और किसानों को क्या क्या इसके बारे में बताया गया, जरा उसके बारे में बताइए। चलिए, मेरा नाम जिज्ञासु त्रिपाठी है और मैं जौनपुर क्षेत्र से कॉर्टेबा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधि करता हूँ। और अभी हम पायनियर बीज कंपनी की तरफ से योगेंद्र पाल जी के खेत में खड़े हुए हैं, पखवाड़ी गाँव में, आजमगढ़ में पड़ता है जिले में। और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि हमने 5x5 में अपना पायनियर 27P37 काटा है और ऐसे ही जस्ट बगल में सेम पट्टी पर 5x5 में हमने अन्य दूसरा संकर धान काटा है। और हम यहाँ पर अब एकदम बता सकते हैं कि कटाई क्षेत्र में, इस 5x5 के कटाई क्षेत्र में हमारे 27P37 में क्या उपज आई है और जो अन्य धान जो सेम पट्टी पर लगा है उसमें क्या उपज आई, आइए देखते हैं।